वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आपको केवीएस पीआरटी के लिए मैथमेटिकल कंटेंट करवा रहे हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर देखें, इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको पहले से ही मिलेगा जो आपके बहुत काम आ सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी टॉपिक करवाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए जरूरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब ये सारे क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये शीट अगर आपने कर ली तो आपको इसके बाद कोई और बुक करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा मॉक टेस्ट करना और क्वेश्चन पेपर करना सीधा, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आंसर भी दिखाऊंगा, आंसर का भी स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करते जाना, जो नहीं आएगा मैं आपको समझा ही रहा हूं, ठीक है। आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 5 की पावर 0.8 डिवाइडेड 3 की पावर 5 की पावर 0.4, 8 × 5 = 40। तो 3 की पावर 4 डिवाइड 3 की पावर 4 × 5 = 20। तो मैंने क्या कहा था, अगर ये डिवाइड हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 3 की पावर 2 दैट इज 9 इज द आंसर, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, जो जो थोड़े अलग है या फिर जरूरी है वो मैं करा देता हूं, बाकी आप सारे कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई करना होता है। 27 की पावर -2/3 × 1/2 2 से 2 जाएगा 27 की पावर -1/3। 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 और उसकी पावर -1/3, 3 से 3 जाएगा 3 की पावर -1 दैट इज 1/3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस वाले क्वेश्चन को करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 225 किसका होता है, आपको पता होना चाहिए 225 किसका होता है। मैंने बता रखा है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं। तो 15 की पावर 2 की पावर 1.2 और ये 15 की पावर 2 की पावर 0.3, ये 15 की पावर 2 की पावर 0.8 और ये 15 की पावर 2 की पावर 0.2। तो कितना हो जाएगा, 24। तो हो जाएगा 15 की पावर 2.4 × 15 की पावर 2 × 0.4, नीचे 15 की पावर 2 × 16 1.6, 15 की पावर 2 × 4 दैट इज 0.4। अब इसमें से ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2.8 और नीचे हो जाएगा 15 की पावर 2। अब 15 की पावर 2 से 15 की पावर 2.8 अगर माइनस करोगे, डिवाइड हो रहा है, तो 15 की पावर 0.8 बचेगा, 15 की पावर 0.8, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हो, हाँ 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 15 की पावर 0.8 नहीं बचना चाहिए था, एक मिनट रुक जाओ, 15 2 2 × 4 2 2.4 2 ओहो ये 3 है 2 3 6 24 और 6 30 3 3 में से 2 गया 1 15। तो आंसर मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन बना रहा है वो आपके लिए सारा काम आसान करेगा, बस आपका काम है इसे सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 को अगर देखा जाए तो याद रखना, अगर इस तरीके से लिखा है तो होता है स्क्वायर रूट, मतलब इसे लिखा जाएगा 3 की पावर 1/2, लेकिन अगर इसके आगे 3 आ गया तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/3। यहां जो भी नंबर होगा उसे ही 1 की अपॉन में लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एन रूट ऑफ एक्स विल इक्वल टू x की पावर 1/n, ठीक है ना, x की पावर 1/n। ये जो भी होगा इस पावर को ऐसे लिखा जाएगा, बस इसी चीज को ध्यान रखना। इसको क्या लिखा जाएगा, 3 की पावर n की पावर 1/3 27। याद रखना अगर बीच में इक्वल टू है, तो इधर जो बेस होगा वही बेस इधर होना चाहिए, तो इधर भी क्या होगा 3, और 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है इसे। अब ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, n/3 और वहां पे क्या है 3 की पावर 3। अब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन और दोनों का बेस सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर को भी सेम होना पड़ेगा, n/3 = 3, देन n = 9 इज द आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी करना है। अब
नंबर 24 एंड 25 जिस कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी और पेपर में बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफिकेशन में डाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। जैसे मैं किसी भी एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ आपको ना, सबसे पहले तो मैंने कहा एक से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, नो डाउट। एक से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करने, नो डाउट। लेकिन अब करना क्या है, आप गिन लो कि ऊपर कितने प्लेस है डेसिमल से पहले, तीन ये रे छह, तीन ये रे नौ। नीचे गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये दोनों बराबर हो गए। आपके पेपर में जो आएंगे वो बराबर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले डेसिमल को हटाना है। बिना हटाए भी सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन डेसिमल को हटा के आसान बनेगा। तो आप क्या करना, ऊपर से 9 प्लेस हटाने के लिए नीचे 10 की पावर 9 लिखा जाएगा, और नीचे से 9 प्लेस हटाने के लिए ऊपर 10 की पावर 9। तो ये इत्तिफाक से दोनों कट गए। अगर मान लो ऊपर नीचे कम ज्यादा होता तो उसे उस तरीके से सॉल्व करते। अब ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया, अंडर रूट 256 81 4 3 5 6 और नीचे 1 5 6 2 5 1 2 1 1 2 9 6 और 64। अब आपको सबके स्क्वायर निकालना है। 256 किसका होता है, 16 का। 81 किसका होता है, 9 का। ये किसका होता है, यहां लिखना है। 1 5 6 2 5 याद रखना है, 125 का। 121 किसका होता है, 11 का। 12 96 किसका होता है, 36 का। 64 किसका होता है, 8 का। फिर आप देखोगे मैक्सिमम नंबर 9 चौक 36, 4 चौक 16, 4 दुनी 8, मैक्सिमम नंबर कट जाएगी और यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है ना, ये आपके आंसर है और मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो प्राइम नंबर रहेगा। ठीक है ना, अभी आज ही आपके पास एक प्राइम नंबर की क्लास आएगी। अगर आपने उस क्लास को अटेंड कर लिया, आपने देख लिया, तो प्राइम नंबर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है किसी भी एग्जाम में जो आपसे छूट सके।